गरीब को ये सब उठाने वाला कह रहा है कि मैं गरीब को उठा दूंगा, सब ऊपर चल जाएगा। ए मोदी ये कहीं आने दीजिए सत्ता, मैं इतना का नौकरी दूंगा, ये नहीं बहाली की। आशा पाले हुए हैं सब बेरोजगार लोग, उम्मीद पर जिंदगी कायम चल पाएगी? नहीं चल पाएगी सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। ऐसे में लगातार यहाँ पर प्रदर्शन जारी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बंगाल में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिहार में तो पहले देखिए ना सर, ये मोदी है कहीं आने दीजिए सत्ता, मैं इतना का नौकरी दूंगा, ये नहीं बहाली की। नौकरी नहीं मिली? नहीं सर, नौकरी नहीं मिली और बेरोजगार कितने आदमी हैं। ये महंगाई तो चरम सीमा पर है, उनका तंता था पता है। आप लोगों ने वोट दिया था? वोट नहीं दिए थे तो ऐसे ही बना लिए। गलती हो गई? हाँ गलती हो गई, आपकी उलट दूंगा। अब इस बार किसको देंगे? इसको आने वाला भावी बहुत से कर्मठ है, ऐसी बात नहीं कि ये अथी कर देगा, क्या राज चलाएगा। बहुत से प्रधानमंत्री आए, बहुत से प्रधानमंत्री गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे, बंगाल में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं राजनीति से? क्योंकि ममता दीदी का पैर फ्रैक्चर हो जाता है और प्रधानमंत्री मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर। ये सब राजनीतिक अटकलें है ना, जो परिपक्व पूर्ण संपूर्ण रहेगा वही रहेगा। मोदी जी जो कुछ भी किए वो बहुत सोच समझ करके चला बना रहे हैं, इसमें कोई शाखा की बात नहीं, भविष्य में भी वही रहे। तो आपके साथी तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने कुछ रोजगार नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। खैर रोजगार तो खैर का कागज कोई की भी सरकार है वो तो मैंने शुरू से चलते आ रहा है, उसके लिए संघर्ष जारी रहता है पब्लिकों में। संघर्ष है या रोजगार भी मिल पाएगा, क्योंकि जितनी जनसंख्या के हिसाब से जो युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी आशा पाले हुए हैं सब बेरोजगार लोग, उम्मीद पर जिंदगी कायम है। बस बस उम्मीद पर, उम्मीद पर जिंदगी कायम चल पाएगी? नहीं, कैसे चल पाएगी? नहीं चल पाएगी सर, ये उम्मीद पर कोई काम नहीं होता। भावी एक तो है कि शिक्षा यहाँ की इतना उनको नहीं आता पता है कि क्या हो रहा है। एक 8 क्लास के है उसको ABCD नहीं आता, 10 क्लास के है एक वो एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, कैसा शिक्षा कैसा प्रोन्नति। मोदी सरकार कुछ नहीं दे रही, मतलब आपको मोदी सरकार बार बार ये कहती है कि इतना विकास किया, इतना विकास किया, वो अपना पर ये खाका पर विकास किए, ये धरातल पर देखिए तो ये वो खाली रोड तो बन गया, तो रोड बन गया तो लेकिन पढ़ लेगा रोड बनने से आपकी। तो हम लोग नोएडा से यहाँ पे आ रहे हैं, बिहार की सड़कें भी टूटी हुई हैं। बिहार के तो सड़कें जर्जर है, ये अति हाईवे पर नेशनल पर न है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। तनी और 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम जाइए तब न देखिए कि बेहाल है। बिहार मतलब बेहाल हो चुका है? हाँ बेहाल हो चुका है, और गरीब को ये सब उठाने वाला कह रहा है कि मैं गरीब को उठा दूंगा, सब ऊपर चल जाएगा। देखिए तो टमाटर आज ऐसे कैसे हुआ, ये पोटैटो जिसको आलू कहते हैं, आलू लेने के बाद ही किसान के 40 रुपये केजी था, आज बेच रहा है तो 10 रुपये केजी नहीं बिक रहा है। मोदी सरकार ये कह रही है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चल रहा है, MSP को लेकर लड़ाई जा रही है किसान और सरकार के बीच में। बार बार ये बोला जा रहा है सरकार के तरफ से कि MSP पे कानून बनाया जाएगा। वो तो कानून बन गया, वो बना किसी को आता पता था, इनका बहुमत था, ये जे चाहे से करें। क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो तो ये कह रहे हैं आपके साथी कि जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तानाशाही चल रही है। ऐसे क्या तानाशाही चलेगा है ना, और रह गया सवाल कि कोई भी कदम उठाता है तो सोच समझ करके ही उठाता है, समझे ना, कि कहाँ हमको जाना है, मंजिल कहाँ हमारा। रोड़े और खेड़े तो बहुत मिलते हैं रोड राह में, लेकिन मंजिल तक का कह जाए कि पहुँचने में बहुत कठिनाई बहुत परिश्रम झेलना पड़ता है, फिर अगर प्राप्त हो जाता है तो उसे सुंदर कुछ नहीं होगा। तो आप तो उस पर चल रहे हैं कि उम्मीद है, चलिए भविष्य संवर जाएगा युवाओं का, अपने बच्चों का, उम्मीद पे एक तरीके से आप जुआ खेल रहे हैं। जुआ तो जिंदगी है, ये है आशा ही जीवन है, जीवन ही संघर्ष है, आशा जीवन है। आशा ही जीवन है। तो सरकार से आपको आशा है कि आपके बच्चों को आगे आने वाले समय में? नहीं है, ये सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आपके दोस्त को है? हैं?
ये सब्सिडी सब्सिडी तो इका हमने 4 बरस पहले लिए है ना, ये क्या बीज और जिसका पैसा डोनेटेड कर लिए और उनका फंड में बढ़ रहा है, लेकिन मुझे क्या मिला? मोदी जी ने कहा तो 15 लाख आने वाले हैं। अरे 15 को पैसा यदि दे दे तब बहुत बढ़िया। 15 लाख आपके अकाउंट में आ गए? 15 लाख की तो बात का कह जाएगी वो है नहीं, अगर गड़ान तो बात है तो का कह जाएगी उस पर तो कोई भरोसा नहीं है। अच्छा आप खुश हैं 800 रुपये सिलेंडर की कीमत हो गई है? घर चलाने के लिए सरकार चलाने के लिए तो पैसा के तो आवश्यकता है ही। इंसान को भूखा मारो? भूखा क्यों मारो, सब कोई अपना काम कर रहा है। और कोरोना के बाद तो लोगों के खाने के लाले पड़ गए थे, तो यहाँ पर 800-1000 रुपये का सिलेंडर कैसे खरीदा जाएगा? अब खरीदिए ना रहा है। खरीद रहे हैं आप? हाँ हाँ, अर्जा महंगाई बढ़ गया, कहीं से किसी से खाना तो बनानी है, खाना तो खाएंगे, चाहे माड़े भात ना क्यों खाएं, या हम 27 प्रकार ना खाएं, माड़े भात खाएं, तो उसके लिए है ना सर। ठीक है, जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर लोगों में नाराज़गी बहुत है और भी लोगों से ही बात करेंगे, सिलेंडर की यहाँ पर कीमत बढ़ गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से खुश हैं ना खुश हैं? सरकार से क्या खुश रहेंगे, लेकिन जो महंगाई बढ़ गया है तो क्या किया जाएगा भाई, महंगाई में तो लेना ही ना पड़ेगा। पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं, दिक्कत हो रही है आने जाने में? हाँ बहुत दिक्कत है आने। तो जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर दिक्कत है, भाई साहब पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या चलाते हैं? जी बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं। पेट्रोल तो इतना महंगा होता जा रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैनेज का किसी प्रकार से कर रहे हैं, थोड़ा बहुत साग सब्जी उत्पादन करके। साग सब्जी भी लेने वाला कहता है कि ऐसे है वैसे है, कितना है से तो मोदी जी जान रहे हैं। मोदी जी को तो तरह तरह के व्यंजन मिल रहा है, 2 प्लेट मार रहे हैं, बस इतने में हाउसफुल हो जा रहा है। हाउसफुल हो जा रहा है, आपने सुना कि हाउसफुल कर रहे हैं ये तो मोदी जी का। देखिए कोई भी घर का सदस्य होता है गार्जियन, उसको चलाने के लिए बहुत का कहे जे कि झेलना पड़ता है। तो झेलना पड़ता है, लेकिन आम जनता को इतना क्यों झेलवा रहे हैं? आम जनता कहाँ झेल रहा है, थोड़ा का कहे जे कि वो अपना अपना ज्ञान अपना अपना बुद्धि है अपना अपना। पेट्रोल उन्हीं को का कहे जे कि महंगा, जनता के ऊपर का कहे जे कि सरकार है, लेकिन सरकार के ऊपर सोचता है कि जनता है, लेकिन जनता सरकारें को ना बनाता है, क्या समझ करके बनाता है? तो का ये तानाशाही कीजिएगा, रोज रोज पेट्रोल दाम बढ़ाइएगा। ठीक है आपका सरकार है तो सरकारें में रहिए, एक बार बढ़ा दीजिए 100 रुपये 500 रुपये। ऐसे भी का कहे जे कि पहले कुछ भी मिलता था 5 रुपये के पकौड़ी, नहीं अब नहीं हमको 5 रुपये के पकौड़ी बेचना है, 10 रुपये से कम नहीं बिकेगा, महंगाई की वजह से। आपके दोस्त इतने नाराज हैं यहाँ पे कि पेट्रोल कीमत बढ़ा दी, बेरोजगारी इतनी हो गई है, खाने पीने की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, कैसे काम चल पाएगा आगे? वो सब चलेगा, चल रहा है। चल रहा है काम? नहीं चल रहा है कैसे, इनको चलता होगा। हम रोजगार था रोड पर सब तोड़ दिया, जमीन हम लोग कहा जमीन है, उसे पैसा नहीं दिया सरकार। सरकार ने पैसा नहीं दिया? कहाँ पैसा दिया, देखिए सब जमीन थोड़ा सामने आप देख लीजिए, फोटो लीजिए। सरकार क्या कर रही है? सब वह के है सरकार, तो मोदी का है, मोदी साहब तो मिल कर रहा है सब ड्रामा। यहाँ जितना भी सरकार है, यहाँ जितना भी पदाधिकारी सब कुछ हो गए। नीतीश सरकार और खत्म है सर, ये तो बच्चे के भविष्य आने वाला को एकदम चौपट करके रख दी। लालू प्रसाद यादव ठीक थे? हाँ लालू प्रसाद जी ठीक थे। लालू प्रसाद यादव जी की तारीफ की जा रही है और मोदी सरकार की इस तरीके से खिलाफत की जा रही है आप ही के लोगों को के द्वारा, आप ही के दोस्त मित्र हैं ये लोग, तो ऐसा क्यों इतने लोग खिलाफ हैं? आप एक सपोर्ट कर रहे हैं, अंधभक्त तो नहीं है? अरे भाई कहे के मतलब है कि जो जैसा मैंने है वो तो का कहे जे कि जो समय बताता है उसके अनुकूल चलना पड़ता है। मतलब ये है कि आपको दिख रहा है सरकारी गलती, लेकिन आप मानेंगे नहीं? नहीं मानेंगे? मानेंगे कि इसमें क्या बात है, मान रहे हैं गलती? कौन गलती? सरकारी गलती मान रहे हैं आपके मित्र? ये मानेंगे आने वाला पीढ़ी में मानेंगे, अभी नहीं मानेंगे है ना, पैर में अभी ये अथी नहीं हुआ है, कुछ बिहार फटा है ना, तो मानेंगे कैसे? रोड पर आते हैं, रोड पर जाते हैं।
जिस तरीके से आपने देखा कि लोगों में नाराजगी बहुत है, अब आने वाले समय में क्या कुछ होना है वो यही जनता है जो वोट देगी और सरकार बनाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ और इंडिया के साथ। नमस्कार।